Good morning student, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you animals and their homes. बच्चो आप लोग भी घर में रहते हो ना, तो हमारे घर को क्या बोलते हैं? जो हमारी ह्यूमन का घर होता है हाउस बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के भी क्या होते हैं? होम्स होते हैं, उनके भी घर होते हैं, उनको भी अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। जैसे कैट है, कैट घर में रहती है, तो कैट का घर क्या हुआ? हाउस हुआ। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दे रखे हैं मैंने और उनके कुछ होम्स दे रखे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। डी ओ जी डॉग, डॉग किसमें रहता है? कैनल। के ई डबल एन ई एल, कैनल। डॉग किसमें रहता है? कैनल। नेक्स्ट है एल आई ओ एन, लॉयन। लॉयन किसमें रहता है? डेन। डी ई एन डेन। काउ, सी ओ डब्ल्यू काउ। काउ किसमें रहती है? शेड में। शेड होती है जो उसका छप्पर होता है ना, ओनली ऊपर ऊपर से कवर्ड होता है। ऐसे डेन जो होती है एक प्रकार की गुफा होती है पत्थरों की, उसको बोलते हैं डेन। एफ आई एस एच फिश, इसमें रहती है वाटर। डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर, वाटर मतलब पानी में रहती है फिश। नेक्स्ट है रैट, आर ए टी रैट। रैट किसमें रहता है? छोटे छोटे होल बना के रहता है, छोटे छोटे बिल जिसे बोलते हैं। एच ओ एल ई होल। कैट किसमें रहती है बच्चों? हाउस में। मैंने पहला ही एग्जाम्पल कौन सा दिया था? कैट का। एच ओ यू एस ई हाउस। कैट किसमें रहती है? घरों में रहती है, तो उसके घर को क्या बोलेंगे? हाउस। नेक्स्ट है शीप, एस एच डबल ई पी शेप, सॉरी शीप। शीप किसमें रहती है? पेन में, पी ई एन पेन। जो उसका चारों तरफ की मेड़ बना, बेड़ बनाते हैं हम, उसको बोलते हैं पेन। एक बार और रिपीट,